महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्यारत थे। धनुष के टूटने की आवाज कान में गई और ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये शिव जी के पिनाक के खंडित होने की ध्वनि है। ऐ आवेश में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये धनुष परशुराम जी ही जनक जी के पास रखवाए थे सुरक्षित। परशुराम जी के पास पहले से एक भगवान श्री हरि का धनुष है अजगांव। एक आदमी दो दो धनुष लेके कैसे चलेगा? तो शिव जी के पिनाक को वो जनकपुर में जनक जी के पास रखवा दिए। हमारी अमानत आप रखिए, हम बाद में लेंगे। समझ में गए कि पिनाक खंडित हुआ, क्रोध अवतरित हुआ, चले वहां से। स्वरूप का वर्णन बड़ा अद्भुत किया है, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन है, गोरा शरीर है, सिर पर जटाओं का मुकुट है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। ये ललाट जितना विशाल होता है ये भाग्य का उतना सूचक होता है। भगवान ने जितना ललाट दिया है वो दिखाई पड़े। किसी का बाल उड़ जाए उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर तो यहां से लेकर ललाटे ललाट है। मार पंडित जी को देखिए, पंडित जी को देखिए, बाल रहे और जितनी ललाट है वो दिखाई पड़े, ये भाग्य सूचक है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, क्रोध के कारण चेहरा तनिक लाल हो गया है। रिस बस कछुक अरुण होई आवा। जैसे परशुराम जी आए, जितने राजा सभा में थे इनके आने के पहले राजा आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि केवल धनुष तोड़ने से विवाह थोड़ी हो सकता है, हमारे रहते इस कन्या के साथ विवाह कौन करेगा, देखते हैं हम, पकड़ो मारो बांध लो, सब गरज रहे थे। जैसे परशुराम जी पहुंचे सब राजा अपना अपना धनुष बाण छिपा के लाइन लगा लिए। किसके आगे? परशुराम जी के आगे लाइन लगा के, लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने अपने बाबूजी का नाम रख के सभी राजा दंडवत करने लगे, हम उन्हीं की संतान है, बाबा जी कृपा रखिएगा हमारे ऊपर। प्रणाम करके सारे राजा जाकर किनारे खड़े हो गए, आपस में चर्चा करने लगे, हमको पता रहता कि ये भी यहां आने वाले हैं हम अवश्य यहां नहीं आते। आके फंस गए। विश्वामित्र जी जाकर परशुराम जी से मिले, राम लक्ष्मण जी को मिलाए और दर्शन करिए। राम ही चिताई रहे थकिलोचन, क्यों रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी ने जैसे मेरे रघुनाथ जी को देखा, आंखें थकित की थकी रह गई। भगवान आनंद के समुद्र है हो, जो एक बार निहार लेगा उसको आनंद में गोता लग जाएगा मन का, और वो फिर बाहर निकलने वाला वहां से नहीं है। क्या अद्भुत अलौकिक सौंदर्य। परशुराम जी देखे, अरे तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, मंद मुसुकनिया पे, तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े खजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े खजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे,
तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघो जी, वो बलिहार राघो जी, तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे, तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे बलिहार राघो जी, वो बलिहार राघो तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, तेरे पाँव मंद मुसुकनिया पे, तेरे मंद मंद मुसुकनिया पे बलिहार राघो जी, वो बलिहार पीछे देख रहे हैं। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, न्योछार राघो जी बलिहार राघो जी। श्री परशुराम जी ने मेरे रघुनाथ जी को देखा तो आंखें देखती रह गई, रूप अपार मार मर मोचन। रूप कैसा है? अपार है। मार यानी कामदेव, कामदेव का नाम है मार। मार मद मोचन यानी कामदेव को अभिमान को चूर्ण करने वाला ऐसा सौंदर्य मेरे रघुनाथ जी का, अपार सौंदर्य परशुराम जी देखे तो आंखें जाकर जम गई। जनक जी महाराज आकर मिले तब ध्यान हटा भगवान से। परशुराम जी ने पूछा, जनक तुम्हारी इस राज्यसभा में इतने राजा क्यों एकत्रित भए हैं? उस समय का, वर्तमान समय का नियम था, क्षत्रिय सम्मेलन कराने से पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। बिना परशुराम जी के अनुमति के क्षत्रिय सम्मेलन होने वाला नहीं था। इतने दीप दीप के राजा आए हैं, परशुराम जी को पता नहीं। पूछा, के ही कारण महीप सब आए, बताइए। जनक जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया और जैसे पता चला कि शिव के पिनाक को स्वयंवर में रखा गया था और टूटे हुए खंड पर जैसे दृष्टि गई, ये परिस्थिति उत्पन्न भई मानो किसी ने भभकती अग्नि में घी झोंक दिया हो। क्रोध से तिलमिला उठे परशुराम जी, बोले, हे जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा, भी पूरी राजसत्ता समाप्त हो जाएगी,
निकाल करके बाहर करो, किसने तोड़ा है शिव पिनाक को। जनक जी महाराज कांपने लगे, सुनैना जी घबरा गए, सीता मैया कहने लगी ब्रह्मा जी ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, परशुराम जी चले आए। सब लोग डर गए, वहां जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से बोलने लगे, तुमको क्या लगता है हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं था, हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, ये हमारी दूरदर्शिता थी, हम पहले ही भांप लिए, इसलिए गए नाटक करके चले आए। तो बगल वाला कहता, हम क्या सही में तोड़ने गए थे क्या, हम भी नाटक ही कर रहे थे, कौन आफत में पड़े। सब डरे हुए हैं, और याद रखिएगा, जीव के भय को समाप्त करना भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ये भगवान ही करते हैं। रघुनाथ जी का वचन है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद् व्रतम मम। राम जी कहते हैं, एक बार जो मेरी शरण में आ जाए और हाथ उठा के कह दे प्रभु जमाने को अपना बना कर तो देखा। प्रभु उस जमाने को अपना बना करके देख लिया, अब आपको अपना बनाने के लिए आया हूं, प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं। राम जी कहते हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, एक बार जो शरण में आके कह दे मैं आपकी शरण में हूं, पूरे संसार में उसको निर्भय बना देता हूं, ये मेरा वचन है। जब सारे लोग भय से ग्रसित हो गए तो सबके भय को समाप्त करने के लिए भगवान स्वयं आगे बढ़ गए। परशुराम जी से जाकर भगवान ने इस बात को कही, क्या कही, कैसे कही, दर्शन करिए। भाषा से अभिमान का दर्शन होता है, किससे होता है, भाषा से। अपात्र को जब प्राप्त हो जाता है तो अभिमान हो जाता है। अच्छा आप बताओ, 5 लीटर जगह है, 6 लीटर आ जाएगा तो क्या होगा, बाहर गिरने लगेगा। उसी प्रकार क्षमता से अधिक जब प्राप्त हो जाए तो बाहर निकलने लगता है मुख से, और यही अभिमान को प्रदर्शित करता है। हमारे पूज्य महाराज श्री सीधा सूत्र बताते हैं, बाबू जिस बात का प्रचार करना पड़ रहा है इसका अर्थ है हम उसकी पात्रता नहीं रखते हैं, जिसकी पात्रता होती है उसका प्रचार नहीं होता। और यदि खोल के आपको सुनाऊं तो यदि कोई करोड़पति आदमी जिसकी कुल संपत्ति 1 करोड़ की हो कम से कम, वो यदि आदमी 5,000-10,000 का साइकिल लेगा तो फेसबुक पर पोस्ट नहीं डालेगा कि हम साइकिल खरीदे हैं, वो के चाबी पकड़त नहीं डालेगा, क्यों, वो जानता है कि मैं अपनी क्षमता के अंदर लिया हूं। लेकिन सामान्य नौकरी करने वाला लोन लेके तिकड़म लगा के कहीं से कोई गाड़ी ले लिया तो नौकरी से छुट्टी ले लेके और 1 महीना सब हितई घूमेगा, सब रिश्तेदारी जाएगा, जाकर बैठेगा और बाद में कल ही लिया हूं, 25 लाख की गाड़ी है, कल ही लिया हूं, बड़ी दिक्कत हो रही थी, कहा बताया अब आपको, लोग जाने। सीधा समझिए, जिसको बताना पड़ रहा है इसका अर्थ हम उसको रखने के अधिकारी नहीं हैं, अधिकारी होंगे तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे चाचा कहते हैं, बाबू पुष्प में यदि सुगंध होगा ना तो पास से गुजरने पर पता चलेगा, और जिसको नाक में लगाकर सुंघाया जा रहा है इसका मतलब नकली सुगंध है, असली सुगंध नहीं है। भाषा सब बताती है। राम जी गए परशुराम जी के सन्मुख और आप भगवान की भाषा देखिए क्या बोले,
नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। प्रभु इस पिनाक को भंजने वाला हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। मेरे रघुनाथ जी ने कहा प्रभु इस पिनाक को भंजने वाला आपका कोई दास होगा। अब इसके भीतर प्रवेश यदि करिए तो रघुनाथ जी कहना चाहते हैं प्रभु इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के संभव होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो जो आपका दास होगा उसको मिलेगा। तो ये आपके किसी दास ने किया, ये निराभिमानिता का सूचक है। जीवन में जब जब ये मान के रखिएगा कि हम नहीं कर रहे हैं, हमसे कराया जा रहा है, अभिमान नहीं हो पड़ा। इतना कहने के बाद रघुनाथ जी बोले कहिए क्या आज्ञा है इस राम को। लेकिन क्रोध की अवस्था में सहज वाक्य भी समझ में नहीं आता है। भगवान के शब्द परशुराम जी के समझ में नहीं आए। बोले राम कहते हो कि दास ने किया है, सेवक ने किया है। सेवक वो जो सेवा करता है, सेवक सो जो करे। जिसने पिनाक तोड़ा है वो सेवक नहीं, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है मेरा। शीघ्र निकाल करके बाहर करो, न तो मारे जय हही सब राजा। भैया कैमरा के आगे से झुक के आइए जाइए, उसमें फोटो आ रहा है। क्या कहा? जिसने पिनाक तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। अब राजा घबरा गए, आपस में बात करने लगे। बताओ राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, यहां लाल बुझक्कड़ खेल रहे हैं। पहले सन्मार्ग में पता नहीं अब आता है कि नहीं आता है, रविवार को एक लाल बुझक्कड़ आया करता था। यहां कहते हैं कि बताइए सीधा कहना चाहिए हमने तोड़ा है, तो कह रहे हैं कि दास ने तोड़ा है। बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब परशुराम जी आवेश में, लक्ष्मण भैया समझे कि जिस भाव से बाबा जी पूछ रहे हैं हमारे भैया उस भाव से उत्तर नहीं दे पाएंगे। हाँ इनकी जोड़ी मेरे से बनेगी अच्छी। तो लक्ष्मण जी आगे आए, प्रणाम करके बोले मुनिवर आप धनुष टूटने पर आए हैं ना, धनुष टूटा उसके बाद, लेकिन ये बताइए बचपन में मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। लेकिन आज तक आप किसी धनु ही के टूटने पर नहीं आए, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों आपका जग गया कि आप चले आए? अब लक्ष्मण जी बोले ये बड़ा आदमी बोले तो समझ में भी आए, छोट लड़का आकर ज्ञान उपदेश देना तो बर्दाश्त नहीं होता है। अब तू सीख बा। लक्ष्मण जी जैसे बोले परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। बोले रे नृप बालक काल वस्तु हो गया है, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। धनु ही समत्रिपुराय धनु, शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुई से करता है। लक्ष्मण जी बोले देखिए बाबा जी धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है, और आप तब से पूछ रहे किसने तोड़ा, किसने तोड़ा ओड़ा नहीं। छुवत टूट रघुपति दोसु। मेरे भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने केवल टच किया टूट गया, भैया ने छुआ टूट गया। छुआ तो टूट रघुपति ही न दोसु। परशुराम जी निकाल लिए फरसा, बोले फरसा देख रहा है 21 बार 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले कि देखिए बात बात में फरसा ना दिखाइए, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे आपसे। पुराना था टूट गया,
आपसे एक बात कहें मुनिवर, हमारे वंश में, रघुवंश में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार करना वर्जित है। आप कितना भी ललकारिएगा हम लड़ेंगे नहीं आपसे, आप ब्राह्मण हैं। क्यों? युद्ध में यदि आपको मार दिया, परशुराम बोले क्या बोले, मान लीजिए युद्ध में आपको मार दिया तो आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और युद्ध में यदि आपसे हार गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना, ये हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान हमारा है केवल। इसलिए आप कितना भी ललकारिए हम आपसे युद्ध करने वाले नहीं है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, सुनो तुम्हारा चेला जितना गोरा है भीतर का उतना काला है, जब बोलता है तो कड़वा बोलता है। तब तक परशुराम लक्ष्मण जी बोले, इतना ही प्रेम है तो बुला के किसी को जुड़वा लीजिए, यहीं पर है, फिर बोला देखो। रघुनाथ जी बोले, मुनिवर बुद्धिमान लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया करते हैं, लक्ष्मण के तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, हमारी आपकी क्या बराबरी है, आप सब प्रकार से हमसे श्रेष्ठ हैं, आप ब्राह्मण हैं हम क्षत्रिय हैं, आपकी अवस्था हमारी अवस्था से बड़ी है, आपका नाम परशुराम है, हमारा नाम तो केवल राम है, हमारा नाम भी आपके नाम से छोटा है, हमारी आपकी कोई बराबरी है। लेकिन परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, अंत में रघुनाथ जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध हो गया है, लक्ष्मण ने आपसे कहा पुराना था टूट गया और आप तब से युद्ध की बात करते हैं, तो मेरी बात सुनिए, हम स्वभाव बता रहे हैं, रघुवंश की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हमारा स्वभाव है रघुवंशी का, कालहु डरहि न रण रघुवंशी, हम रघुवंशी युद्ध के क्षेत्र में काल से भी नहीं डरते, हम काल से भी युद्ध करते हैं। परंतु काल से भी युद्ध करने वाला राम आज परशुराम से युद्ध नहीं करेगा, जानते हैं क्यों मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है मुनिवर, वो पूरे संसार में निर्भय होके रहता है, इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के इस गूढ़ वचन को सुनकर परशुराम जी की मति हिल गई, मन में सोचे इतनी निष्ठा ब्राह्मण में भगवान को छोड़कर कोई हो नहीं सकता, परिचय कैसे पता चलेगा कि भगवान है, अब दर्शन करिए। परशुराम जी के पास एक और धनुष है ना, अजगांव, क्या नाम है, अजगांव, ये भगवान श्री हरि का धनुष है। धनुष की डोरी एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद पूरे धनुष में लिपटी रहती है, जब धनुष का स्वामी युद्ध का समय आता है तो डोरी को बाहर घुमाव से निकालकर धनुष को नीचे झुकाकर और अपने हिसाब से प्रतंचा चढ़ाता है। परशुराम जी सोचे कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता, यदि ये ब्राह्मण इस अजगांव की झुकाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दे तो ये निश्चित हो जाएगा कि ये भगवान है। तो परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धन लेहु, खै चहु मिटै मोर संदेहु, इसको खींचिए और मेरा संदेह समाप्त करिए। और जैसे परशुराम जी ने दिया, यहां गोस्वामी जी गीता प्रेस ने लिखा है, देत चाप आप ही चली गयो, चली गया हूं नहीं है, इनके अनुसार जैसे परशुराम जी ने दिया धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया, नहीं ये नहीं अर्थ, क्या है, ए जी देता चाप तू ही चढ़ी गया, देता चाप तू ही चढ़ी गया, परशुराम मन विस्मय
सो राम मन समय भय स्वामी जी कहते हैं देत चाप आप ही चढ़ी गयऊ। जैसे रघुनाथ जी ने धनुष पकड़ा उसकी डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी ने देखा मन में विस्मय हुआ। यहां पर 9 बार परशुराम जी राम जी की जय जयकार करके लक्ष्मण जी की और क्षमा याचना करके वापस महेंद्र पर्वत तपस्या के लिए गए हैं।